नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम काम और समय में अगला टाइप देखेंगे, जिसमें जब काम जो है बारी बारी से किया जाता है, मतलब नंबर बाय नंबर किया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले ए काम करता है फिर बी काम करता है, तो हमें इसमें बताना होता है कि कुल काम कितने दिन में होगा, या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो इस टाइप के सवाल को कैसे करना है। इसके लिए जो ट्रिक है उसको हम पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। जो भी 2 दिए हों या 3 दिए हों उनका हमें क्या करना है, जैसे यहाँ दिया है ए 40 दिन में करता है और बी 50 दिन में करना है, तो हमें करना क्या होगा इसमें। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा, जो कि हमने शुरुआत में भी कार्य समय वाले सवालों में बताया था। ठीक, उसके बाद कार्य क्षमता हमें निकालनी होगी। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं अभी हम बताएंगे। कार्य क्षमता निकालनी होगी, फिर क्या करना होगा, जो एलसीएम आता है उसके बराबर या कम तक ऐसे नंबर से हमें गुणा करनी होगी कि उसके बराबर हो जाए या उसके कम तक रहे, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना सबको पता है, एलसीएम लेना है। उसके बाद कार्य क्षमता निकालनी है, कार्य क्षमता भी निकाल लेंगे हम, अभी बता देंगे कैसे निकालनी है। एलसीएम के बराबर तक हमें ले जाना है उसको, ठीक है, जो नंबर होगा उसको हमें एलसीएम के बराबर तक ले जाना है कार्य क्षमता को। अब करना कैसे, देखो सवाल नंबर हमारा पहला मान लेते हैं ये है कि ए जो है किसी काम को 40 दिन में करता है और बी 50 दिन में करता है, तो हमें ये बताना है कि अगर काम बारी बारी से किया जाता है तो दोनों कितने दिन में ये काम कर देंगे। देखो 40 और 50 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है, और जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। देखो भाग देने के बाद जो नंबर आता है वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है हमारा कार्य क्षमता। व्यक्ति की कार्य क्षमता वही हो जाती है जो हमने उसके समय से और उसके एलसीएम को डिवाइड किया, तब जो नंबर आता है वही व्यक्ति की कार्य क्षमता हो जाती है। तो ए की कार्य क्षमता हो गई 5 और बी की कार्य क्षमता हो गई 4। आपको समझ आ गया होगा कि कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। करना हमें सिर्फ ये है कि जो समय दिया है उससे एलसीएम जो आता है उसको हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है, और जो एलसीएम आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्य, या हम मान लेते हैं एलसीएम कहते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत में सवालों में बताया था, आप पहली वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। और अब हमें करना क्या, जो हमारी कार्य क्षमता आई है ए की आई है 5 और बी की आई है 4, अब हमें इस सवाल में करना क्या है, देखो 5 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी की कार्य क्षमता अगर हम जोड़ें, कार्य क्षमता अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 9, ठीक है, 5 और 4 9 हो जाएगी। लेकिन देखो इसमें सवाल में कहा गया है कि बारी बारी से काम किया गया है। पहले मतलब जैसे मान लीजिए पहला दिन है, उस दिन किसने काम किया, ए ने, दूसरे दिन किसने काम किया, बी ने, फिर तीसरे दिन किसने काम किया, ए ने, और चौथे दिन बी ने, मतलब इस प्रकार से एक साइकिल चल रहा है, ए बी, ठीक है। तो इन दोनों की जो क्षमता आई है 9, वो एक दिन की बजाय 2 दिन की क्षमता है, क्योंकि पहले दिन किसने काम किया, ए ने, दूसरे दिन काम किया है बी ने, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, जो क्षमता 9 आई है इसको 200 के बराबर या कम तक ले जाना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, हमने बताया कि ट्रिक में करना क्या है, एलसीएम लेना है, कार्य क्षमता निकालनी है, और एलसीएम के बराबर या कम तक ले जाना है उसको, ठीक। अब 9 में हमें ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि 200 हो जाए, तो कितने से हम गुणा करेंगे, 9 में हम गुणा करेंगे 22 से। 22 से जब हम गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी 22 से गुणा करने पर हमें पता चलता है कि 198 एलसीएम यूनिट का काम जो है हमारा पूरा हो जाएगा। कितने दिन में, देखो 22 से हमने इसमें गुणा की है, और जो 9 का क्षमता है वो कितने दिन की है, 2 दिन की है, क्योंकि पहले दिन ए ने काम किया है और दूसरे दिन बी ने काम किया है। जब 9 में हम 22 से गुणा करेंगे तो दूसरी साइड भी हमारी 22 से गुणा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 44 दिन, ठीक है। जो हमारा 198 एलसीएम है वो कितने दिन में पूरा हो गया, वो हो गया पूरा 44 दिन में। अब बचा कितना, जो शेष बचेगा उसे कौन करेगा, उसे करेगा ए, क्यों, देखो 44 दिन का जब काम पूरा होगा तो साइकिल कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पर बी पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 43 और 44, ठीक। तो शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2। कैसे पता चला हमें, 200 में से हमने 198 घटाए, 2 आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक। अब 2 जो बचा है उसे कौन करेगा, उसे करेगा ए, क्योंकि देखो ऑड नंबर जब आता है तो स्टार्टिंग 1 से होती है, तो हमेशा जो बचा हुआ काम होगा वो ए ही करेगा, ठीक है, जिस सवाल में दिया नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो शेष बचा है वो 2 एलसीएम यूनिट बची है, और ए को जो शेष काम है वो समय लगेगा, ए को शेष काम करने में जो एलसीएम है वो ऊपर आता है, हमने बताया कई बार, और जो कार्य क्षमता है वो नीचे आती है। तो ए को जो समय लगेगा वो लगेगा 2/5 दिन, ठीक है, 2/5 दिन लगेगा ए को। तो कुल समय हम आसानी से निकाल देंगे, कुल समय हो जाएगा 44 प्लस 2/5, यानी
इसको जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 44 सही 2/5। ठीक है, 44 सही 2/5 दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा अगर ए और बी बारी बारी से करने। देखो इस ट्रिक में करना क्या है, हमें सिर्फ एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता होगा, आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें जो एलसीएम आता है उसके बाद हमें कार्य क्षमता निकालनी है। जब हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो कार्य क्षमता में ऐसे नंबर से हमें गुणा करनी कि एलसीएम के बराबर हो जाए या फिर कम हो जाए, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो जब हमने इसमें गुणा की 9 में 9 में 22 से गुणा करेंगे 198 हो जाएगा, और इधर 2 दिन की क्षमता थी तो 2 में जब 22 से गुणा होगी तो 44 दिन हो जाएंगे। जो शेष काम बचेगा वो 2, और 2 को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का समय हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बटे क्षमता, जो बचा हुआ एलसीएम उसको क्षमता से भाग दे देंगे तो ए का समय आ जाएगा। तो कुल टोटल समय लगेगा 44 सही 2/5 दिन। इस प्रकार हमने ये ट्रिक देखी। अब हम इसी ट्रिक से और क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जब काम बारी बारी से किया जाता है तो इसमें देखो, इसमें सवाल दिया राम श्याम मोहन क्रमशः 20 25 और 30 दिन में किसी काम को करते हैं अलग अलग। ठीक है, और कहा गया कि अगर नंबर बाय नंबर काम करें यानी अपनी बारी के बाद काम करेंगे तो हमें बताना है कि कुल समय कितना होगा। ठीक है, तो इस सवाल में हमें करना क्या, देखो जो हमने बताया था ट्रिक में उसमें वही लिखना है। जैसे राम लिख लेना है, श्याम लिख लेना है और मोहन लिख लेना है। ठीक, राम के नीचे हमें लिखना है राम का समय, श्याम के नीचे हमें लिखना है श्याम का समय, और मोहन के नीचे लिखना है मोहन का समय। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है इनका। एलसीएम कितना आएगा, 20 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 20 25 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 300। ठीक है, 300 को जब हम डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे तो 10, 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 20 से डिवाइड करेंगे तो 15। ठीक है, यानी राम की क्षमता आ गई 15, श्याम की आ गई 12 और मोहन की आ गई 10। अब देखो हमें करना क्या होता था, हमने बताया था, देखो राम ने क्या किया, पहले दिन काम किया है, श्याम ने दूसरे दिन काम किया है और मोहन ने तीसरे दिन काम किया है। इस प्रकार इनकी जो क्षमता होगी कितने दिन की क्षमता होगी, वो होगी 3 दिन की क्षमता, क्योंकि पहले दिन राम ने काम किया है, दूसरे दिन श्याम ने किया, तीसरे दिन मोहन ने किया है। तो जो इनकी क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 15, 12, 27 और 10, 37। ठीक है, 37 आ जाएगी इनकी क्षमता, कितने दिन की क्षमता आ जाएगी 37, 3 दिन की। ठीक है, अब इसमें हमें ऐसे नंबर से गुणा करना है कि 300 से बराबर हो जाए या 300 के कम रहे। तो हमें करना क्या है, देखो इसमें हमें ऐसे नंबर से गुणा करनी है, तो इसमें गुणा करनी है हमें 8 से। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे तो कितना है? देखो 8 सत्ते 56, 8 3 24 और 5 29। ठीक है, यानी 296 यूनिट काम हो जाएगा हमारा जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टाइप भी इधर कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 3 24। 8 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 24, यानी 24 दिन में 296 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में, 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा 296 यूनिट, और कुल काम कितना है 300। अब जो 300 काम है उसको 296 यूनिट तो काम हमारा समाप्त हो गया 24 दिन में, अब बचा कितना, तो जो शेष काम होगा कितना 4, और इसे करेगा कौन, राम। क्यों, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लास्ट में जो यूनिट आएगी कितनी आएगी 24, और यहां पर स्टार्टिंग होगी 25 से। तो राम जो है 25 में दिन काम करेगा, और राम की क्षमता है 15, तो राम को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 4 जो बचा हुआ है और 15 को हम नीचे रखेंगे क्योंकि उसकी क्षमता है 15। तो कुल समय टोटल समय हो जाएगा हमारा 24 + 4/15 या 24 सही 4/15 दिन लगेंगे कुल काम करने में, जब तीनों ने बारी बारी से काम किया। इस प्रकार हमने बारी बारी वाले सवाल देखे, और चलते हैं अगले सवाल पर इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, लेकिन अगर नंबर बाय नंबर काम करेंगे और एक के बाद एक, जैसे मान ली पहले दिन ए ने काम किया दूसरे दिन बी ने, तो हमें बताना है कि कुल काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, क्या कुल काम कितने दिन में हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, ए लिखना है और बी लिखना है। ठीक, ए के नीचे लिखना है 10 और बी के नीचे लिखना है 20। हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है, 10 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20। 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार ए और बी की क्षमता आ गई 2 और 1। ठीक है, अब जो कुल क्षमता आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 + 1 मिलकर हो जाएगी 3। कितने दिन की है ये, 3 है 2 दिन की। ठीक है, क्योंकि 2 लोग हैं, अगर 3 लोग होते तो 3 दिन की हो जाती। जो क्षमता है इनकी वो 3 है 2 दिन की, और हमें करना कितना है 20। अब देखो 20, 3 में हमें ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि 20 के बराबर हो जाए या कम हो जाए। तो कम बराबर देखो 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 18,
यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ओर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ओर, 6 3 18 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 दिन में काम हो जाएगा हमारा 18 एलसीएम इकाई या एलसीएम की 18 यूनिट। अब जो शेष बचेगा 2, उसको कौन करेगा, उसको करेगा ए, और ए को जो समय लगेगा, जो शेष काम है उसको हम ऊपर रखते हैं और क्षमता यानी उसकी जो क्षमता है उसको हम नीचे रखते हैं, शेष काम है 2 और उसकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 2, तो 2 से जब 2 को भाग देंगे तो 1 दिन आ जाएगा, मतलब 1 दिन और लगेगा, तो 12 दिन और 1 दिन कुल कितना हो गया, कुल टी हो गया हमारा 13 दिन, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो गया 13 दिन। आई होप आपको ये समझ में आएंगे। देखो इन सवालों को करने में बस यही प्रॉब्लम होती है कि एलसीएम अगर आपको लेना आता है तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए कामा बी, मतलब ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 75 दिन में करते हैं, हमें बताना है कि बारी बारी से जब काम करेंगे तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, और लास्ट में हमें यह भी बताना है कि लास्ट वाला जो काम है वो किसने किया, यानी अंतिम नंबर किसका था। देखो तो अब हमें करना क्या है, वही तरीका अपनाना है फिर से जो हमने बताया शुरुआत में, ए और बी, ए के नीचे में लिखना है 25 और बी के नीचे में लिखना है 75, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 और 75 का एलसीएम कितना आएगा, 75। क्यों, देखो जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या को दी होती है, बड़ी संख्या अगर छोटी वाले की टेबल में आ जाती है तो भाई उसका एलसीएम हो जाता है, तो आ जाएगा हमारा 75। 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 1, तो दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, मिलकर हो जाएगी 4, यानी क्षमता को हम एक साइड लिख लेते हैं, यानी क्षमता आ गई 4, 3 प्लस 1 4 हो गई 2 दिन का, मतलब पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो 4 जो है वो कब की है, 2 दिन की। अब हमें 4 में ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि 75 के बराबर हो जाए या कम, अधिक नहीं करना है, देखो तो 18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72 होता है, तो 18 से गुणा हो जाएगी हमारी इस साइड और 18 से गुणा हो जाएगी दूसरी साइड, 18 चौक 72 हो जाएगा और 18 चौक 72 हो जाएगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है करना, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 दिन में 72 यूनिट काम हो जाएगा 75 में से, और हमें बताना क्या है कि कुल काम कब खत्म हुआ, तो शेष देखो अब बारी किसकी आएगी, एक ही एक जो शेष है उसको हम ऊपर रखेंगे और एक ही क्षमता को हम नीचे रखेंगे, ए का जो शेष है वो 3 है क्योंकि 72 इकाई खत्म हो चुका है और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3, तो 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1, यानी 1 दिन और लगेगा और कुल समय कितना हो जाएगा, 36 प्लस 1 बराबर हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा हमारा 37, ठीक है, तो इस सवाल का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सीता और गीता किसी काम को 40 दिन में और 60 दिन में करती हैं, तो बारी बारी से कुल काम कितने दिन में हो जाएगा ये हमें बताना है, तो करना क्या है हमें इसमें, पहले तो सीता लिखना है और गीता लिखना है, ठीक, सीता का समय लिखना है 40 और गीता का समय लिखना है 60, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है, 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। देखो अब यहां देखना क्या है कि 3 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5, तो क्षमता जो है वो इनकी कितनी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी इनकी 5, कितने दिन की, 2 दिन की, ठीक है, पहले दिन सीता ने काम किया, दूसरे दिन गीता ने काम किया। अब हमें ध्यान ये रखना है कि 5 में हमें ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि या तो 120 के बराबर हो जाए या कम, अधिक नहीं करना, देखो 25 से गुणा करेंगे तो 125 अधिक हो जाएगा, 24 से करेंगे तो 24 पंजे 120 होता है, यानी 24 की 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ जाता है, ठीक है, और तो दूसरी साइड भी 24 से ही गुणा हो जाएगी, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120 और दूसरी साइड 24 दूनी 48 दिन। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो बहुत ही आसान है आपको। अब हमें इसमें क्या करना है, देखो 120 एलसीएम काम करना था, 120 एलसीएम काम कितने दिन में हो गया, 48 दिन में हो गया, और आगे तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो क्या हो गया, सवाल हो गया हमारा यहीं पर, 48 दिन इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ए बी सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं, ठीक है, अलग अलग, तो तीनों अगर नंबर बाय नंबर काम करें तो कुल काम हमें बताना है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो करना हमें वही है सवाल में, जिस टाइप के सवाल हम बताते हैं उसमें एक ही प्रकार अपनाना है आपको, ए बी और सी, ए जो है 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है,
20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखो अब इनकी क्षमता आ गई 3, 2, 5 और 1, 6। तो क्षमता कितनी हो गई? इफिशियंसी हो गई 6, सॉरी नीचे लिखते हैं इसके, ठीक है। क्षमता हो गई 6, कितने दिन की? 1, 2 और 3, 3 दिन की क्षमता हो गई इनकी 6। दूसरी साइड में क्या लिख देना है? दूसरी साइड में लिख देना है 3 दिन, यानी 3 दिन में इन्होंने 6 यूनिट काम समाप्त कर दिया है 60 में से। और हमें काम कितना करना है? 60, तो 6 में हम ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि या तो 60 के बराबर हो जाए या कम। तो बराबर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई होगी, 10 से 6 को गुणा करेंगे तो 10 × 6 बराबर होता है 60। दूसरी साइड भी हमारी 10 से गुणा हो जाएगी, यानी इस ओर हो जाएगा हमारा 60 और इस ओर हो जाएगा हमारा 10 और 3 की गुणा करेंगे तो 30। यानी 30 दिन में जो 60 एलसीएम की यूनिट है वह पूरी हो जाएगी, यानी इस काम को करने में 30 दिन लगेंगे अगर ए बी सी बारी बारी से काम करते हैं। देखो इस आज हमने जाना, जब व्यक्ति बारी बारी से काम करते हैं, तीन हो या चार हो, आपको करना है ऐसे ही, ठीक है। यही पैटर्न अपनाना है, कोई भी सवाल आपका बारी बारी वाला इस तरीके से गलत नहीं होगा। और एग्जाम में आप मैक्सिमम 1 मिनट, बहुत ही ज्यादा लगेगा तो 30 से 40-50 सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैथ का क्या होता है पैटर्न, मैथ आपको प्रैक्टिस से ही आती है, केवल तरीका आपको बताया जा सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ को आसान बना सकते हैं। भैया कि अगर आप इस टाइप के 20-25 सवाल आप लगा लेते हैं तो एग्जाम में आप 15 से 20 सेकंड में भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो आज हमने बारी बारी वाले सवालों को किया, अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि मैथ जो है हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल आसान भाषा में समझाई जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और मैथ पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।